सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यशराज सॉल्यूशंस में। मैं हूँ आपका दोस्त टेक्निकल मुकेश। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और शानदार वीडियो लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही अल्टीमेट और खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर की दो खास सीक्रेट सेटिंग्स की। तो दोस्तों, पहली सेटिंग्स हमारे गूगल प्ले स्टोर के लेटेस्ट वर्जन से रिलेटेड है, यानी कि जब भी आप गेम सेक्शन में किसी भी गेम को ब्राउज करेंगे तो वहाँ पे वीडियो ऑटो प्ले होने लगेंगे। तो आप इन ऑटो प्ले वीडियो को कैसे डिसेबल करेंगे, क्योंकि ये आपके इंटरनेट डेटा को कंज्यूम करते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरी ट्रिक है हमारी, कि आप मल्टीपल एप्स को अपनी डिवाइस से केवल एक ही बार में कैसे अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ देख लीजिए, मैंने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। यहाँ अलग अलग सेक्शन है, जैसे गेम्स, एप्स, फिर साथ ही साथ यहाँ मूवी का सेक्शन दे रखा है, बुक्स का दे रखा है। तो जब भी आप गेम सेक्शन में किसी भी गेम को यहाँ ब्राउज करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन जो गूगल प्ले स्टोर का है, उसमें जो भी गेम के वीडियो है वो ऑटो प्ले होने लगेंगे, जिससे आपका जो डेटा है वो बैकग्राउंड में कंज्यूम होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी इस सेक्शन में, यानी कि गेम सेक्शन में, गूगल प्ले के लेटेस्ट वर्जन में किसी भी गेम को ब्राउज करेंगे तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये वीडियो ऑटो प्ले होने लगेंगे, जिससे आपका जो डेटा है वो कंज्यूम होता रहेगा। तो इसे आप बड़े ही आसानी से डिसेबल कर पाएंगे, ये इस प्रकार से जो वीडियो ऑटो प्ले हो रहे हैं इन्हें। तो इन्हें डिसेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कि आपके जो गूगल प्ले स्टोर के लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पर हैमबर्गर बटन पे टैप करना है। तो चलिए यहाँ पे हम टैप कर लेते हैं। अब सिंपली आपको नीचे चले आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स पे आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही सेटिंग्स पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सेटिंग्स का पेज ओपन हो गया। यहाँ से ऑटो प्ले वीडियोस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको सिंपली जो लास्ट वाला है, डोंट ऑटो प्ले वीडियोस, इस ऑप्शन को आपको चेक कर देना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको डन कर देना है। तो जब भी आप गूगल प्ले स्टोर के गेम सेक्शन में अब किसी भी गेम को ब्राउज करेंगे तो ये वीडियो ऑटो प्ले नहीं होंगे, यानी कि ऑटो प्ले वाला जो फीचर था वो अब डिसेबल हो चुका आपके गूगल प्ले स्टोर में। तो इस प्रकार से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे बचेगा इस फीचर को डिसेबल करने के बाद, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। तो यहाँ पर जो दूसरी फीचर की मैं जो बात कर रहा था, कि आप अपनी डिवाइस से मल्टीपल ऐप्स को एक ही बार में अनइंस्टॉल बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, तो ये सेकंड ट्रिक है। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पर हैमबर्गर बटन पे टैप करना है। अब इसके बाद आपको चले जाना है माय एप्स एंड गेम्स सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको सिंपली टैप करना है। आपके सामने अब माय एप्स और गेम्स का पेज ओपन हो चुका। यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, जैसे अपडेट्स, इंस्टॉल्ड, लाइब्रेरी, बीटा। तो आपको सिंपली मल्टीपल एप्स को अनइंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल्ड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो चलिए, जो अपडेट के पास आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंस्टॉल्ड, यहाँ पे आपको टैप करना है। अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ स्टोरेज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको टैप करके इसे ओपन कर लेना है, स्टोरेज वाले ऑप्शन को। तो जैसे ही इसे टैप करके ओपन करेंगे तो फ्री अब स्पेस का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देख लीजिए, सारे जो एप्स आपकी डिवाइस में जो इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ शो होने लगेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड होगा। तो यहाँ से टैप करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल साइज के हिसाब से। तो फ़िलहाल मैं इसे यहाँ रिकमेंडेड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आप जितने भी ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है, सिंपली आपको चेक कर देना है उन ऐप्स को, और सिंपली नीचे से आपको फ्री अप है ना, यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे मेरे इसमें 68 MB फ्री अप हो रहा है। अब इसके बाद आपको फ्री अप 68 MB पे टैप करना है। ठीक है, मेरे 4 ऐप ही मैंने सिलेक्ट किए थे। यदि आपके ज़्यादा ऐप है 4 से, तो आपकी जो MB है वो ज़्यादा आएगी। तो सिंपली यहाँ पे आप देख लीजिए,
जो मल्टीपल ऐप्स है, फिर आप स्पेस पर टैप करने के बाद आपके अनइंस्टॉल हो चुके हैं, यानी आपकी डिवाइस की जो स्पेस है वो बड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूजलेस ऐप को या जिसका आप यूज़ नहीं करते उन्हें बड़ी ही आसानी से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल यशराज सॉल्यूशंस।